स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास मैटर है क्या वो प्योर है, उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर. मीन्स प्योर मैटर हम किसे बोलेंगे जिसके पास एक ही टाइप की कंसेंट्रेशन हो, पूरा एक सिंगल चीज हो वो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस. लेकिन अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिक्सचर है जो इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन. मिक्सचर क्या है? इसके अंदर मोर देन वन सब्सटेंस यानी कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. जैसे मिल्क के अंदर क्या होता है? फैट्स भी होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, प्रोटीन्स हैं. इस वजह से मिल्क को हम प्योर मिल्क नहीं बोल सकते, उसका नाम क्या होगा? मिक्सचर. देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर कितने टाइप का है? देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर, एज इसके नेम में ही है, होमो मतलब सेम, जीनियस जैसा, यानी कि सेम कोई चीज़ आ जाती है उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि इसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जो भी चीज़ है यूनिफॉर्मली मिक्स आउट है एक दूसरे के अंदर. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. अगर हम सॉल्ट को या शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है. नेक्स्ट वन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच कंटेन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर. इसके अंदर क्या आता है? हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि पार्टिकल हमें डिफरेंट टाइप से नज़र आते हैं. जैसे ऑयल के अंदर अगर वाटर को मिक्स कर दो तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है थ्रू आउट मिक्स हो जाना. अभी पढ़ा हमने होमोजीनियस मिक्सचर क्या था, जिसके अंदर कंसनट्रेशन या कंपोजिशन सेम रहती है थ्रू आउट, सेम. तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. जैसे एग्जांपल है हमारे पास सोडा वाटर, लेमन जूस. जैसे सोडा वाटर है उसके अंदर अलग अलग तो नहीं नज़र आता हमें, कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एक ही कलर नज़र आता है, एक ही जैसा नज़र आता है, कोई पार्टिकल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे होते वहाँ पे. तो सॉल्यूशन को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास? जिस चीज़ के अंदर हमने चीज़ को घोलना है. सॉल्यूट क्या होगा? जिस चीज़ को घोलना है, दोनों को मिला करके जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल वाटर शुगर सॉल्यूशन. इसके अंदर क्या है? वाटर प्लस शुगर है. अब देखो वाटर क्या होता है हमारे पास? लार्जर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में वाटर लेंगे हम और लेसर अमाउंट में शुगर लेंगे, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वाटर शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा. फिर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. की प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन की? फर्स्ट जैसा हमने पढ़ा होमोजीनियस मिक्सचर है. सेकंड वन, यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, हम देख नहीं पाते. अब जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया, बट ये तो नहीं है उसके अंदर से पार्टिकल अलग अलग नज़र आ रहे हैं ऐसा हो. तो यहाँ पे क्या है? पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल है, जो क्या है? 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. यानी कि अगर हम किसी पार्टिकल का साइज देखते हैं तो वो कितना है? 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. उसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, हमें विजिबल नहीं है. जो क्या आएगा? 10^-9 मीटर. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. नेक्स्ट वन है पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. जहाँ पे पार्टिकल अलग अलग होते ही नहीं हैं, मतलब अलग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, वहाँ से लाइट अगर उसके ऊपर पड़ेगी तो वो स्कैटर नहीं होगी, जिस वजह से हमें लाइट का पाथ नज़र नहीं आएगा. नेक्स्ट वन है सॉल्यूशन इज स्टेबल. स्टेबल मीन्स ये अपने आप में स्टेबल है. एक बार हमने जो सॉल्यूशन बना दिया ना, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने थोड़ी देर उसको एक जगह पे रख दिया तो वो सॉल्यूशन से कुछ और बन जाए. जैसे कि जैसे मैंने अभी नमक घोल दिया पानी के अंदर, तो ये नहीं है कि नमक नीचे बैठ जाएगा जाके थोड़ी देर अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया. वो क्या रहेगा? एक सॉल्यूशन ही रहेगा. ये स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे कैसे होती है, उसको क्या क्या नाम दे सकते हैं.
तो हमारे पास यहाँ टू टाइप डिफाइंड है, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट वन है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मस्ट सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब कोई सॉल्यूशन किसी सॉल्यूट को अपने अंदर कितना घोल पा रहा है, कितना ज्यादा कैपेबल है वो उस सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने में, उस टाइम पे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि उसकी एक कैपेसिटी है कि जैसे ही हम किसी चीज में सॉल्यूशन में कुछ डालते हैं उसके अंदर घोलते हैं, ये नहीं है कि वो घुल ही जाएगा। एक लेवल ऐसा आता है जिसपे वो घुलना बंद कर देता है। जैसे कि पानी के अंदर अगर हम शुगर घोलते हैं तो क्या होता है, एक बार घुल ही जाएगा, लेकिन आगे एक स्टेज ऐसा आएगा जिसपे वो घुलना बंद हो जाएगा। जितना हम शुगर पानी के अंदर डाल के घोलेंगे उतना ही शुगर दोबारा शुगर में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उस लेवल को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेशन लेवल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर, कि जब हम फर्दर मोर सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना कर पाए उस टाइम उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो अमाउंट है जो सॉल्यूट का वो घुलना बंद हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, किसे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को। नेक्स्ट वन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो लेसर रहे, किससे, सैचुरेशन लेवल से, यानी इस वाले लेवल से, जितना अमाउंट यहाँ पे किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट रहा है उससे कम वाला लेवल हो, जिस टाइम सॉल्यूट का अमाउंट कम हो उस टाइम पे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्दर वी हैव कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड इट, ये देखते हैं हम। इसमें क्या है, इट इज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि कंसेंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि कितना सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर घुल सकता है या कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है बाय मास और बाय वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वन मोर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन, देयर आर टू वे टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज एंड सेकेंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। Now first one, mass of solute divide by mass of solution into 100, यानी अगर हमें mass by mass percentage निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, mass of solute को ऊपर रखेंगे, mass of solution को नीचे रखेंगे और 100 से multiply कर देंगे। Next one है mass by volume percentage, अगर हमें mass by volume percentage निकालनी है then mass of solute ऊपर रखेंगे और mass of सॉल्यूशन और सॉल्वेंट नीचे रखें। ओके, यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है हमारे पास, ये एक नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि नॉन होमोजीनियस मींस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, किसका, सॉलिड पार्टिकल जब लिक्विड के अंदर घुल जाते हैं इनकी बाउंड्री अलग अलग नजर आती है। जैसे हमने किसी चीज के अंदर किसी चीज को घोला है और वो हमें अलग से नजर आए, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और पार्टिकल को हम नेक्ड आईज से देख सकते हैं, यानी कि नंगी आंखों से देख सकते हैं, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेक्स अ पाथ ऑफ लाइट विजिबल, अगर पार्टिकल अलग अलग हैं, पार्टिकल की बाउंड्रीज नजर आ रही हैं, मीन्स अगर लाइट उसके ऊपर डलेगी तो क्या होगी, लाइट हमें विजिबल होगी, लाइट का पाथ विजिबल होगा। नेक्स्ट वन है पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। जैसे हमने पानी के अंदर मिट्टी घोल ली, ठीक है,
तो मिट्टी के कण हमें नजर आते हैं ना, अलग अलग पार्टिकल नजर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उस पानी को रख दो तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये एक स्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से इसको अनस्टेबल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, छान के जो रेता है मिट्टी है उसको अलग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन है हमारे पास कोलोइडियल सॉल्यूशन। कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, ये भी क्या है, एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन देखने में हमें क्या लगता है, होमोजीनियस लगता है। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल का साइज है ना, वो जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल का साइज है उससे लेस है। दैट्स व्हाई ये हमें कैसा विजिबल होता है, होमोजीनियस विजिबल होता है, बट होता क्या है, ये हेटरोजीनियस। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, साइज इज टू स्मॉल एस बताया, एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। तो हम इनको क्या है, विजिबल नहीं कर पाते नंगी आंखों से, देखना इनको इतना भी आसान नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, मेक पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, लेकिन ये लाइट के पाथ को क्या कर देते हैं, विजिबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम लाइट इन पार्टिकल पे डलती है, स्कैटर होती है, तो लाइट का पाथ विजिबल होता है। नेक्स्ट वन है, पार्टिकल नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इट अनडिस्टर्ब। इसके अंदर पार्टिकल ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे, जब हमने इसको बिना हिलाए एक जगह पे फिक्स कर दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे मिल्क और वाटर को मिक्सअप कर लो। मिल्क और वाटर जब मिक्स होते हैं, देखने में तो होमोजीनियस सॉल्यूशन लगता है कि कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो एक हेटरोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल रहेगा। आपके पास इसके अंदर आपकी बुक में दिया हुआ है, टिंडल इफेक्ट के नाम से इस इफेक्ट को जाना जाता है कि लाइट का पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है इसके अंदर, कोलोइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, और इसको कैसे नहीं, हम सेपरेट नहीं कर सकते इसको, कौन से फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब मान लो आपने मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया, क्या आप उसको छान के अलग अलग मिल्क और वाटर कर सकते हो? नो। बट इसके लिए एक अलग मेथड आता है कि अगर वाटर और मिल्क या कोई भी ऐसी चीज है जो मिक्स कर लिया है, उसको हम एक मेथड से अलग कर सकते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके,